सबके सहायक श्री हनुमान। दुष्ट दलन है शंकर सोन श्री हनुमान। भक्त है सच्चे के राम के सेवक श्री हनुमान। श्री आपका ये प्रयास व्यर्थ है। अपनी जान का बलिदान मत दो, संकट में पड़ जाओगे। देवात्माओं का सामना करना, मृत्यु को अपने पास बुलाना है। चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से, जाओ। चले जाओ, चले जाओ। अज्ञान हमें जब चारों तरफ से घेर लेता है और हमें सोचने का मौका नहीं मिलता, अपनी जान त्यागने से बेहतर होगा चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, 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 चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, 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 जाओ। रमेश, शायद हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। शीला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम इतनी दूर यहाँ पर मेहनत से आए हैं, अब हम वापस कैसे जा सकते हैं? अरे, मैं आप लोगों को और कैसे समझाऊं? आगे जाने से हमें मुसीबतें होंगी, स्वामी जी ने ऐसा समझाया है। क्या समझाया? एक पागल आदमी जो स्वामी के ढोंग में जंगल में घूम रहा है, उसकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। ए, चलो चलते हैं। चलो रमेश, मेरी बात तो सुनो। चलो शीला, चलते हैं। प्लीज शीला, आ जाओ। रविंद्र, मेरी बात सुनो, चले जाते हैं, जिंदगी और मौत का मामला है। शीला, अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो तुम मत आओ, तुम रुक जाओ। अरे यार, ये ट्रिप हमने जैसे सोचा था वैसे ही बहुत एडवेंचरस है ना? हाँ, हमें इस मिस्ट्री का पता करना ही होगा। अगर इस करोड़ों रुपए की मूर्तियों को हमने ढूंढ लिया तो हमें नाम और पैसा दोनों मिल जाएंगे। चलो चलते हैं।
यस हे, करोड़ों रुपए दिलाने वाली मूर्तियां हमारी आंखों के सामने है। अब हमारी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। वाह रमेश, मेरी बात सुनो प्लीज। शीला, हम जानते हैं तुम क्या बोलने वाली हो। रविंद्र, तुम लोग इन मूर्तियों के महत्व को नजरअंदाज किए जा रहे हो। आर्कियोलॉजी डिगिंग में मिलने वाली साधारण सी मूर्तियां नहीं है ये बहुत ही ताकतवर मूर्तियां हैं। शीला पागल मत बनो यार। ए, चलो चलते हैं। हाँ चलो। रविंद्र प्लीज मेरी बात तो सुनो प्लीज। सुनो, मैं कोशिश करता हूं। ये टॉर्च पकड़ो। देखा आप सबने, जो राम नाम का जाप सुनाई दे रहा है और जो दिव्य तेजस दिखाई दे रहा है, वो दोनों ही उस मूर्तियों का महत्व बता रहे हैं। उस दिव्य तेजस ने ही हमें वहां से बाहर निकाला है और वो मूर्तियां उस तरह से हमें चेतावनी दे रही हैं। चलो ना, यहाँ से चलते हैं। हम सबके यहाँ से चले जाने में ही भलाई है, प्लीज। शीला, हमें जबरदस्ती वापस ले जाने के लिए हमारे साथ आई हो क्या? नहीं, मानवों के जीवन से ये महिमा से भरी देवता की मूर्तियाँ ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनका स्वयं दर्शन करके मैं इन्हें पुण्य क्षेत्र तक पहुँचाने आई हूँ। इतनी महत्वपूर्ण मूर्तियों को यहाँ से हटाने की शक्ति हम जैसे मानवों में नहीं है। इसके बारे में भूल जाना ही अच्छा है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। चलो चलते हैं, अभी भी हमारे पास वक्त है। प्लीज चलो ना, यहाँ से चलते हैं। प्लीज चलो यहाँ से। शीला, रमेश, इतनी महत्वपूर्ण अत्यंत शक्तिशाली मूर्तियों को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इस शक्ति से भी ताकत और शक्ति का सहारा लेना चाहिए, तभी हम इसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो शक्ति मिलेगी कहां से? चलो चलते, चलो चलते हैं यहां से।
मुझे मिल गया, मिल गया मुझे, गुरुजी मिल गया। गुरुजी, गुरुजी, ओ गुरुजी, देखो मिल गया। क्या हुआ? मिल गया गुरुजी। मिल गया है क्या? सात घोड़ों के रथ में सवार होके कहीं दूर की दुनिया से इस कब्रिस्तान में पहुंच गई हो तुम। क्या हासिल करने आई हो? यहाँ पर तुम्हें क्या हासिल होगा? छोटे बच्चे हो तुम या बहुत बड़े आदमी हो? तुम भिखारी हो या बहुत बड़े सेठ हो, पैसे वाले हो? शासन करने वाले हो तुम या फिर राज करने वाले हो? अब तुम राख का ढेर हो। आपने बिल्कुल सही बोला। अब इन सब को जोड़कर शक्ति प्रदान करना पड़ेगा। उस शक्ति का उपयोग करके इस धरती पर सारी उम्र जवान रहना है मुझे। इस दुनिया को शासन करने वाला बनकर इसे मुझे कब्जे में लेना है। मुझे इस शक्ति को हासिल करना है। वो हासिल करने का समय आ गया। सुनिए, सुनिए ना, सुनिए गुरुजी। गुरुजी सो रहे हैं, चले जाओ चले जाओ। हमें उनसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? तुम लोगों को अंदर आना ही नहीं चाहिए था। गुरुजी से शक्ति के बारे में बात करनी थी हमें, इसलिए।
शक्ति, कौन सी शक्ति?